आशीष नोटियाल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सबकी प्रैक्टिस चल रही है हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फास्ट कैरवा आपने किस तरीके से बजाना तबले पे। पहले भी मैं इसके कई लेसन अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये एक सीरीज़ है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं जीरो से एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई, वहाँ पर जीरो से लेसन अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको मीडियम कैरवा के मैंने कुछ प्रकार बता दिए हैं, मेन जो प्रकार हैं वो लगभग, और अभी फास्ट कैरवा हम इसमें सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप बिल्कुल जीरो से आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला वाला जो प्रकार ज़्यादातर जो फास्ट में बजाया जाता है, दिट धाता, तिट धाता तो हमने सीखा ही है, वो भी बजाया जाता है। उसके और भी कई सारे प्रकार हैं, है ना। तूना वाले मैंने अभी रिसेंट जो मैंने अभी जो 13वां हमारा लेसन था वो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने बता दिया था, ठीक है। 13वां लेसन रहा होगा, हाँ 13वां लेसन, उसमें मैंने बता दिया था, ठीक है। इसमें हम फास्ट कैरवा सीखने वाले हैं, मतलब जैसे आप मीडियम कैरवा बजा रहे हैं तो वहाँ उससे भी तेज जो गाने होते हैं, जो थोड़ा फास्ट स्पीड में चलते हैं, उनमें किस तरीके के बोल बजाए जाते हैं, आप कैसे बजा सकते हैं, मैं वो बोल आपको ज़्यादातर बजाने के लिए बताऊंगा, जो आसानी से आप बजा सकते हैं, जो थोड़ा आसान होते हैं, ठीक है। सबसे पहला बोल है, इस तरीके के कुछ बोल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला बोल, ठीक है, ये बोले। इसके बोले ये आपने बेस से आगे स्लिप किया, ये ठीक है। सिंपल रखना है, ये ठीक है। दूसरे वाले ता के साथ का यूज भी कर सकते हैं, ये ती। उसके बाद एस आएगा, एस के बाद जो ती आएगा उसके साथ थोड़ा गा का भी यूज कर सकते हैं, ती ता, ठीक है। ये वाला जो धा है स्लिप करना है, ये ती धा ता, ये एस टी धा ता, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, दोबारा देखेंगे, ये टी धा एस, जैसे बोल लिखे मेरा घेड़ ता ता एस ती धा ता, एस मतलब वहां पर थोड़ा सा रुका हुआ है, वो रुक के चलेगा वहां पर, ठीक है। एस ती, ती जब बजाएंगे यहां से ऐसे और यहां से गा का यूज करेंगे, ती धा ता, घेड़ ता ता 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 ती धा ता, घेड़ ता ता। इस तरीके से ये बोल बजेगा, ठीक है। दूसरा वाला है जो इससे भी ज़्यादा आसान है, वो बहुत फास्ट में आप इसको बजा सकते हैं, बहुत गानों में वो सुनने के लिए आपको मिलेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। उससे पहले, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, साइड में आप नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस की जो भी फीस है वो मैं आपको बता दूंगा, और आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर आप पूछना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। और अगर आप यूट्यूब से ही सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पर फ्री लेसन अपलोड होते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है,
तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। उससे जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ, नया लेसन आता है, तो वो आपको मिल जाया करेगा सबसे पहले, और आप उसको देख के भी सीख सकते हैं। ठीक है, ढोलक तबला दोनों की बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल लेसन वन से वीडियोज़ अपलोड हैं। आप अगर चैनल पर जाएंगे तो आपको लेसन वन से देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप यही वीडियो अभी पहली बार देख रहे हैं, तो आप अगर बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, तो आपको स्टार्टिंग से देखना चाहिए। ठीक है, शुरू वाले, उससे आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको सीखने में भी आसानी होगी। दूसरा वाला बोल देखते हैं। ठीक है, इसके बोले धा तनग घिन, धा तनग घिन। ठीक है, धा तनग घिन, धा तनग घिन, धा तनग घिन, धा तनग घिन। इससे पहले अक्सर एक उठान लिया जाता है जो सिंपल है, था तकेट ता तकेट तकेट धा तकेट, ये वाला उठान तकेट ता तकेट तकेट धा तकेट। ठीक है, तकेट ता उठान के बोले हैं ता ई त। ठीक है, तकेट ता के साथ का भी यूज कर सकते हैं। शुरू वाला जो तकिट बजेगा वो तो सिंगल बजेगा तकिट, उसके बाद जो ता आएगा उसके साथ का यूज करना तकिट ता तकिट, उसके बाद तकिट धा तकिट तकिट धा, खुला हुआ भी बजा सकते हैं और बंद भी तकिट धा तकिट। ठीक है, तकिट ता तकिट तकिट धा तकिट धा, ऐसे बजेगा। ठीक है, दोबारा से की तकेट तकेट धा तकेट। ठीक है, तकेट धा तकेट तकेट धा तकेट की ट धा तकेट, उसके बाद तकेट धा तकेट। यहाँ पे सिंपल अंदर बंद भी बजा सकते हैं, कैसे ता ई क ता तकेट, उसके बाद तकेट धा तकेट। ठीक है, ये उठान हो गया, उसके बाद ठेका, इसके बोले धा तनग ता ना, सेम बजेगा एक जैसा तनग ऐसे और घे ऐसे, स्लिप होगा घे और ना फिर ऐसे, यही बोल रहे हैं। ठीक है, धा तन ग घे न 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 धा तन ग घे न। ठीक है, धा तन ग घे न 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 धा। बोले इस तरीके से फास्ट कैरवा भी बजाया जाता है, इसमें कई सारे अभी प्रकार भी बजाए जाते हैं। तुना में बता चुका हूँ, अगर आप इसमें फास्ट कैरवा में तुना का यूज ज्यादा होता है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने पांच लेसन पांच जो पैटर्न है वो केवल तुना वाले बताए थे। उसमें जो लास्ट के दो पैटर्न है
लास्ट वाले जो पैटर्न थे वो फास्ट कैरवा के साथ ही बजाए जाते हैं, तो आप वो वीडियो भी देखेंगे, ये भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उठान इसी का यूज कर सकते हैं, चलेगा। बाकी ये दो प्रकार हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये फास्ट कैरवा का लेसन था और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। और भी अभी मैं कोशिश करूंगा कि एक दो मतलब वीडियोस और अपलोड करूं फास्ट कैरवा के ऊपर, खासकर तबले पे आप इसके साथ और क्या क्या बजा सकते हैं, है ना। तिरकिट हो गई या उससे अलग कुछ लगे टाइप का जो भी है ना, फास्ट में जो बजाया जाता है, हालांकि फास्ट में सीधा सीधा ठेका ज्यादातर बजाया जाता है, लेकिन उसके साथ भी आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई रेला हो गया उसका यूज कर सकते हैं, लगी हो गई है ना, या डिफरेंट डिफरेंट तिहाई उसका यूज भी आप कर सकते हैं फास्ट में जब आप संगत करते हैं तो। लेकिन सबसे पहले फास्ट में आप कुछ भी चीज़ अगर बजाते हैं तो सबसे पहले आपकी लय मजबूत होनी चाहिए, फिर आप चाहे स्लो गाने बजाते हों या फास्ट, लय का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अच्छी अगर आपकी लय में अच्छी पकड़ है तो आपको फास्ट बजाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना स्लो बजाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं तो मैसेज कर दें मुझे व्हाट्सएप पर, या आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जो भी फीस है मैं बता दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अच्छा लगे तो शेयर भी किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।